बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुरू करता हूँ। मैं एक छोटा सा वीडियो ब्लॉगर हूँ। मैं मुख्तलिफ़ जगह पे अपनी वीडियोस बना के लगाता रहता हूँ, मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करता हूँ, लेकिन किसी भी जगह पे वीडियो ना वायरल होती है, ना बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई जाती है, ना पहुँचती है, ना बहुत सारे लोग देखते हैं, ना कुछ लोग कमेंट्स करते हैं, ना कोई उसको डाउनलोड शेयर जिनके कुछ भी नहीं किया जा सकता। और उसी के साथ अगर आप मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स इस वक्त जो मौजूद हैं सोशल मीडिया के, उनके ऊपर आप देखें तो बहुत सारे लोग बग़ैर कुछ किए मिलियंस और बिलियंस में उनके व्यूज़, उनके लाइक्स, उनके शेयर्स और ये सब चीज़ें मौजूद होती हैं। तो मेरा इससे पहले एक यूट्यूब के ऊपर चैनल था जो मुझे किसी वजह से बंद करना पड़ा, फिर कुछ और सोशल मीडिया के ऊपर मेरे कुछ आईडीज़ और चैनल थे जिनको छोड़ना पड़ा। और जब ये सब कुछ हो चुका उसके बाद मैंने ये जो चैनल जिसके ऊपर अभी ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ, जिसके ऊपर आप देख रहे हैं, ये बना लिया। इसके ऊपर कुछ वीडियो डाल रही, तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे पहले इसके ऊपर कुछ रिसर्च करनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने बहुत सारा टाइम लगा के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके उनके ऊपर जाके स्टडी करके कुछ वीडियोज़, कुछ ऑडियोज़, कुछ मैसेज, कुछ चीज़ें, ये सब कुछ डाल के जब मैंने देखा, स्टडी की, इसके ऊपर रिसर्च की कि आया कौन सी ऐसी बात है या कौन सी ऐसी वजह है कि जिसकी वजह से कुछ लोगों की वीडियोस, कुछ लोगों के चैनल, कुछ लोगों की आईडीज़ एकदम से जो है वो वायरल इतनी हो जाती हैं कि मिलियंस और बिलियंस में पहुंच जाती हैं। और कुछ लोग बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ें रखने के बावजूद भी वो सब कुछ नहीं कर पाते, वो सब कुछ नहीं ले पाते जिसका उनको हक होता है। उसके अगेंस्ट कुछ बंदा कुछ एक छोटा सा मामूली सी हरकत करके भी या कुछ मामूली सी इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत ख़ास भी नहीं होती दे के भी बहुत सारे व्यूज़ हासिल कर लेता है। तो उसके लिए मैंने रिसर्च की, रिसर्च के लिए मैंने बहुत सारी जगहें, बहुत सारे प्लेटफॉर्म, बहुत सारी हालात वाकियात और जगह से होने के बाद में जब रिसर्च मेरे पास पहुँची तो आज मैं फिर दोबारा से यहाँ पर हूँ और एक वीडियो बना रहा हूँ अपने चैनल के लिए कि किसी भी सोशल मीडिया, किसी भी ब्लॉग, किसी भी वीडियो, किसी भी आडियो, किसी भी कंटेंट लिखने में किसी भी चीज़ के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आप झूठ बोल सकते हो या आप कहानी सुना सकते हो, लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, यानी कि किसी भी करके अंगेज कर सकते हो। अंगेज करने के लिए ज़ाहिर बात है आपको एक बात को छुपा के, घुमा घुमा के करनी पड़ती है, तब जाकर अगले बंदे को पता चलती है। तब तक आपके जो है ना वाच टाइम, हर बंदा वाच टाइम के चक्कर में लगा हुआ है, कोई भी किसी ओरिजिनल कंटेंट को, किसी इन्फॉर्मेशन को नहीं ले रहा, हर एक कोई एक का दूसरे को जवाब देने के चक्करों में लगे हुए हैं सारे लोग, जिस वजह से तमाम के तमाम जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर अपनी वीडियोस या आइडियोज़ डाली जा सकती हैं, वो सारे के ऊपर हर कोई एक दूसरे को जवाब देने के लिए लगा हुआ है। कोई भी ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन, ना कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन, ना कोई अच्छी हदायात, कोई भी चीज़ डिलीवर नहीं कर रहा हर कोई एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए। उसके लिए चाहे झूठ बोलना पड़े, चाहे मस्नूई खबरें, मस्नूई चीज़ें बनानी पड़ें, चाहे किसी और पुराने वक्तों की कोई चीज़ को नया करके दिखाना पड़े या कुछ भी करके करना पड़े, वो वहाँ पे लगा के अपने व्यूज़, अपने लाइक्स और दूसरे के मुकाबले में रेस में लगे हुए हैं। तो अगर आपको अपनी वीडियो को किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, किसी भी, चाहे वो यूट्यूब है, फेसबुक है, टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, कोई भी प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर अगर आप अपनी वीडियो को वायरल करना चाहते हैं तो आपको दो चीज़ें आनी चाहिए। एक, आपको बात को घुमा घुमा के करनी आनी चाहिए, और दूसरी, आपको झूठ टिका के बोलना आना चाहिए। आप जितना ज़्यादा झूठ बोलेंगे आपको उतने ज़्यादा व्यूज़, उतने ज़्यादा लाइक्स मिलेंगे, जो कि हकीकत है। मैंने तकरीबन पूरा कुछ एक महीने इसके ऊपर मैंने स्टडी की है, रिसर्च की है, उसके बाद से मैं ये अपनी एक वीडियो बना रहा हूँ। मेरा भी पहले यही प्लान था कि बात को घुमा के लास्ट में बताऊँगा कि क्या है, लेकिन ये हकीकत है, ये फैक्ट है और यही सोशल मीडिया की हकीकत है, यही सब कुछ है, इसी के ऊपर चल रहा है। अभी मैं एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, अगर आप में से कोई बंदा इसको देखता है तो उसको लाइक करें, लाइक नहीं करता तो, अगर नहीं पसंद है तो डिसलाइक करें, नहीं तो कमेंट करें, कुछ सवाल जवाब करें, कुछ इन्फॉर्मेशन दे, कुछ इन्फॉर्मेशन ले, कुछ बातचीत करने का मौका मिले। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कोई बंदा छोटा है जिसके व्यूज़ या लाइक्स नहीं है उसको पहले तो देखते ही नहीं है, अगर देख लेते हैं
तो उसके बाद क्या करते हैं, उसको ना लाइक करते हैं ना डिसलाइक करते हैं, बीच में छोड़ के चले जाते हैं। उससे कोई क्वेश्चन पूछो, कोई इन्फॉर्मेशन दो, कोई इन्फॉर्मेशन लो, ताकि उसको भी मज़ीद वीडियो या मज़ीद इन्फॉर्मेशन या रिसर्च करने का मौका मिले। तो मेरी किसी बात से अगर कोई खफा हुआ हो या किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो उससे मैं माजरत हूँ, लेकिन इस वक्त की हकीकत सोशल मीडिया की या वीडियो प्लेटफॉर्म्स की यही है। शुक्रिया।